हेलो किड्स, आज की हमारी एक्टिविटी है टिक द पिक्चर दैट बिगन्स विद द लेटर ऑन द लेफ्ट। इट मींस ये देखिए, लेफ्ट साइड में हमारी अल्फाबेट लिखे गए हैं और राइट साइड में पिक्चर्स बनी हुई हैं। हमारी एक्टिविटी का मेन मोटिव है बच्चों को अल्फाबेट के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स की भी पहचान कराना। सबसे पहले देखिए कौन सा अल्फाबेट लिखा है, ए। ए फॉर क्या होगा, एप्पल। और ये देखो दूसरी साइड क्या आगे इसकी पिक्चर बनी है, कप। कप का फर्स्ट लेटर होगा सी, बट एप्पल का फर्स्ट लेटर होगा ए। ए फॉर एप्पल, तो ये देखिए हमने ए पर टिक लगानी है। और इसके आगे देखिए ये कौन सा अल्फाबेट लिखा है, जी। जी फॉर गिटार, ओके। और ये है किसकी पिक्चर बनी हुई है, पीच। बट जी फॉर गिटार, गिटार का फर्स्ट लेटर जी होगा ना, तो इस तरह हमने जी फॉर गिटार, गिटार पर हमने इस तरह टिक लगानी है। देखिए आगे किसकी पिक्चर बनी हुई है, ये देखो ये है कैट और ये रहा ड्राई फ्रूट। और यहाँ देखो कौन सा लेटर लिखा है, कौन सा अल्फाबेट लिखा है, ये सी। सी फॉर क्या होगा, कैट। सो हमने इस तरह कैट पर टिक लगानी है। जो भी एग्जैक्ट सही पिक्चर बनी हुई है, फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होता है जो भी, उस पर हमने टिक लगानी। आगे देखिए कौन सा अल्फाबेट लिखा है, आई। आई फॉर क्या होगा, इंक पॉट। और ये किसकी पिक्चर बनी हुई है, ग्रेप्स। तो आई फॉर इंक पॉट, हमने इंक पॉट पर टिक लगानी है। अब दूसरी साइड देखिए कौन सा अल्फाबेट लिखा है, एफ। एफ फॉर क्या होगा, ये देखिए किसकी पिक्चर बनी हुई है, रैबिट। और ये देखो साइड में फैन, फैन का फर्स्ट लेटर होगा एफ। एफ फॉर फैन, तो टिक लगेगी फैन पर। अब आगे देखते हैं कौन सा अल्फाबेट लिखा है, बी। बी फॉर बाल। और दूसरी तरफ पिक्चर बनी हुई है कैट, सो बी फॉर बाल, तो हमने इस तरह बाल पर टिक लगानी है। आगे देखिए कौन सा अल्फाबेट लिखा है, एच। एच फॉर क्या होगा, ये देखो किसकी पिक्चर बनी हुई है, हॉर्स। और दूसरी तरफ देखो किसकी पिक्चर बनी हुई है, सैंडविच। हॉर्स कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, एच। एच फॉर हॉर्स, तो इस तरह हमने हॉर्स पर टिक लगानी है। और इसके आगे देखिए कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है, डी। डी फॉर क्या होगा, डक। और ये दूसरी तरफ पिक्चर किसकी बनी हुई है, देखिए आयरन। इस तरह हमने डी फॉर डक पर टिक लगानी है। इसी तरह हम सेकंड पेज भी फिल करेंगे। पिक्चर देखिए किसकी बनी हुई है, पैरट एंड राइनासोरस। अल्फाबेट लिखा है कौन सा, ये पी। पी फॉर क्या होगा, पैरट। दूसरी तरफ देख लीजिए ध्यान से किसकी पिक्चर बनी हुई है, राइनासोरस। तो हम टिक लगाएंगे पैरट पर, ओके। आगे देखिए कौन सा अल्फाबेट लिखा है, एल। एल फॉर क्या होगा, देखो पिक्चर किसकी बनी है, हॉर्स। और ये रहा लॉक, एल फॉर लॉक, तो टिक लगाएंगे हम लॉक पर। आगे देखिए कौन सा अल्फाबेट लिखा है, आर। आर फॉर क्या होगा, देखो किसकी पिक्चर है, क्या आप जानती हो किसकी पिक्चर है, ये रोबोट। आगे वेल, तो हम इस तरह आर फॉर रोबोट, रोबोट पर इस तरह टिक लगाएंगे। आगे देखिए कौन सा अल्फाबेट लिखा है, एन। एन फॉर नेट। और दूसरी तरफ ये पिक्चर देखिए किसकी है, ये याक। बट हम एन फॉर नेट, नेट पर इस तरह हम टिक लगाएंगे। आगे देखिए कौन सा अल्फाबेट लिखा है, के। पिक्चर बनी हुई है हेन एंड कैटल, के फॉर कैटल, सो हम इस तरह कैटल पर टिक लगाएंगे। आगे देखिए कौन सा अल्फाबेट लिखा है, क्यू। क्यू फॉर क्वीन, ओके। ये पिक्चर बनी हुई है पोमीग्रेट, पोमीग्रेट हम अनार को पोमीग्रेट कहते हैं, बट क्यू फॉर क्वीन, क्वीन पर हम इस तरह टिक लगाएंगे। आगे देखिए कौन सा अल्फाबेट लिखा है, एम। और पिक्चर्स बनी हुई है
जूस एंड मॉन्की। मॉन्की का फर्स्ट अल्फाबेट होगा एम, एम फॉर मॉन्की। तो इस तरह हम मॉन्की पर टिक लगाएंगे। और लास्ट देखिए कौन सा अल्फाबेट लिखा है, एस। पिक्चर बनी हुई है अम्ब्रेला, और ये देखो आपको पता क्या कहते हैं इसे, स्नेक, एस फॉर स्नेक। तो इस तरह हम स्नेक पर टिक लगाएंगे। तो इस तरह हमने अपने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो भी पिक्चर्स का फर्स्ट लेटर है उन्हें चूज करके टिक किया है। तो आई थिंक बच्चों को इससे काफ़ी नॉलेज मिलेगी। सो हैव अ नाइस डे।